देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो और समाजवादी पार्टी की बात ना हो और अखिलेश यादव की बात ना हो तो फिर कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव और मुसलमान नेताओं की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई मुसलमान नेता तो समाजवादी पार्टी में सिर्फ आजम खां हैं, और कौन मुसलमान नेता हैं? लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव के सिर्फ आजम खान ही करीबी नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत लंबी एक फहरिस्त है जो अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने मुस्लिम नेता अखिलेश यादव के करीब हैं तो मुसलमानों का कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, ये मैं आपको पूरा इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर मुसलमान नेताओं की एक जो बाढ़ सी आ चुकी है समाजवादी पार्टी में, उससे मुसलमानों को कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान। 2017 में भी मैं आपको लेके चलूंगा जो विधानसभा चुनाव हुए थे और कैसे मुसलमान वहां से विधायक जीते, कौन कौन जीता और कौन अखिलेश के करीब है। लेकिन मैं आपको कुछ नाम गिनाने की और बताने की कोशिश करूंगा। आजम खान का नाम जो रामपुर से है उनका तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब आपको और ऐसे मुसलमान चेहरे जो अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं वो नाम बता रहा हूं। उनमें आते हैं कमाल अख्तर। जी हाँ, अमरोहा से इनका ताल्लुक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं और अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं कमाल अख्तर। छात्र राजनीति से काफी एक्टिव रहे। अब कमाल अख्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना एक अलग मकाम रखते हैं। दूसरे हैं मौलाना जावेद आबदी। जी हाँ, बहुत ज्यादा अखिलेश के करीबी माने जाते हैं जावेद आबदी साहब, और काफी बताया जाता है कि इनका अखिलेश के सामने काफी इनकी बात चलती है और अखिलेश के दोस्त भी कहे जाते हैं मौलाना जावेद आबदी। वहीं अब आते हैं इकबाल महमूद। इकबाल महमूद भी संबल से ताल्लुक रखते हैं और काफी अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और काफी समाजवादी पार्टी में अपना वर्चस्व नजर आता है, और ये भी मुसलमानों के एक बड़े खैरख्वाह के तौर पर गिने जाते हैं, माना जाता है समाजवादी पार्टी में। वहीं पर दूसरे एक और नेता है जो अमरोहा उसी बेल्ट से आते हैं, महबूब अली, जो जेल मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी में। तो ये वो चेहरे हैं जो मुसलमान चेहरे हैं समाजवादी पार्टी में जो अखिलेश यादव के काफी करीबी बताया जा रहा है। और वैसे तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो मुसलमान युवक अब समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार अखिलेश यादव से संपर्क में रहते हैं और लगातार मुलाकातों के दम पर अपने आप की समाजवादी पार्टी में राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, और अखिलेश यादव उनके लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं वो अलग तरीके का विषय हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी में जो मुसलमान नेता की फहरिस्त बहुत लंबी होती जा रही है, आखिर मुसलमानों को उसका कितना फायदा मिलेगा या फायदा हुआ है? क्योंकि हमेशा से समाजवादी पार्टी का एक सेकुलर चेहरा रहा है, सेकुलर चेहरा की बुनियाद पर उन्होंने मुसलमानों का हमेशा से वोट लिया है। मुलायम सिंह को तो एक वक्त तक ये कहा जाता रहा कि मुल्ला मुलायम कहा जाता रहा, और फिर उसके बाद उनकी छवि इसी तरीके की बन गई। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उसके बाद से मुलायम सिंह मुसलमानों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, और फिर आजम खां का नाम निकल आया। आजम खां की बात अगर हम छोड़ दें, आजम खां तो शुरू से ही मुसलमानों के नेता माने जाते रहे, लेकिन ये जो नाम मैंने आपको गिनाए हैं ये वो चेहरे हैं जो मुसलमानों के नेता अपने क्षेत्रों में काफ़ी पकड़ मजबूत रखते हैं। और भी ऐसे कई चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अभी नए नए हैं। अगर हम बात करें आजमगढ़ से ही नफीस अहमद, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, वो भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, विधायक हैं इस वक्त, वो भी अखिलेश के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ये सारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये जो मुसलमानों की खेप सी निकलती जा रही है और समाजवादी पार्टी से जुड़ती जा रही है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के काफ़ी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव जो निकले हैं
वो समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको 2017 के विधानसभा चुनाव में लेकर चलता हूं, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने 229 के आंकड़े से कम होकर सिर्फ 47 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब इन 47 सीटों में भी सबसे उम्मीदवार जो जीते थे वो सभी मुस्लिम थे। जी हाँ, जो सभी जो 47 जो जीते थे उनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। समाजवादी पार्टी के लिए कुल 17 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और जो सभी विधायकों की 33% से ज्यादा थी। अगर ये सभी उम्मीदवार जीतकर नहीं आते तो समाजवादी पार्टी की हालत और ज्यादा खराब मानी जा सकती थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर इससे भी ज्यादा कम होते तो विधायकों की संख्या सिर्फ 30 ही रह जाती। अब मैं आपको बताऊंगा वो 17 मुस्लिम विधायक जो आजम खान समेत बने हैं 2017 में, इस बार समाजवादी पार्टी के लिए महबूब अली, आजम खान भी बता रहा हूँ, महबूब अली अमरोहा से, मोहम्मद फहीम जो बिलारी से ताल्लुक रखते हैं, नसीर अहमद खान चमरौरा, नफीस अहमद गोपालपुर जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, अबरार अहमद इसौली से, नाहिद हसन कैराना से, मोहम्मद रिजवान कुंदरकी से और यासर शाह मटेरा से। यासर शाह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बहराइच से इनका ताल्लुक है और ये भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, ऊर्जा मंत्री का प्रभार संभाल चुके हैं यासर शाह। और रफीक अंसारी मेरठ से, हाजी इकराम कुरैशी जो मुरादाबाद देहात से विधायक जीते, तस्लीम अहमद नजीबाबाद से, आलमबदी निज़ामाबाद से, मोहम्मद आजम खां रामपुर से, इकबाल अहमद जो मैं आपको बता रहा था, इकबाल अहमद जो काफ़ी वर्चस्व रखते हैं अपना इलाके में, हाजी इरफान सोलंकी सीसामऊ से, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम जो आजम खां के बेटे हैं सुवार से विधायक बने हैं, नवाब जान ठाकुर द्वारा से ने जीत हासिल की। इन सभी मुस्लिम उम्मीदवारों ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां और उनके अब्दुल्ला आजम खां ने भी जीत अपनी हासिल की थी। जो पूरी खेप है इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी पर काफ़ी पकड़ रखते हैं, काफ़ी वर्चस्व माना जाता है। वहीं साथ ही साथ अब्दुल्ला आजम ने भी राजनीति में कदम रख दिया है। और वहीं साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, 2017 में मुस्लिम विधायक घट गए उत्तर प्रदेश में। पिछले 2012 में विधानसभा चुनाव में 68 मुस्लिम विधायक थे, वहीं इस बार 2017 के चुनाव में सिर्फ 25 मुसलमान प्रत्याशी ही चुनाव जीते, यानी 68 2012 में और 25 2017 में जीते। 17 से इनमें 17 जो थे सपा से, 6 बसपा से और 2 कांग्रेस से भी मुस्लिम विधायक जीते हैं। चुनावी जानकारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ये अब तक का सबसे कम नंबर माना जा रहा है। इससे पहले भी 2007 में भी 56 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधायक बने थे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हुआ था कि सरकार बनाने वाली पार्टी में एक भी मुसलमान नहीं है, यानी बीजेपी की हम बात कर रहे हैं। वहीं जीतने वाले 25 उम्मीदवारों के अलावा दूसरों पर रहने वाली मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 84 है। जी हाँ, ये मैंने पूरा आंकड़ा आपको बताया है मुसलमानों का। असल में मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा से मुसलमानों की खैरख्वाह बनती रही है, हमेशा से मुसलमानों, हालांकि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद लगातार समाजवादी पार्टी पर सवाल उठते रहे, लगातार उन पर जो है वो मुसलमानों की राजनीति करने, उनको ध्रुवीकरण करने की आरोप लगते रहे। हालांकि आजम खान ने कई बार सफाई दी है कि मुजफ्फरनगर दंगा एक सुनियोजित था और वो बीजेपी ने करवाया था, ये लगातार आरोप आजम खान लगाते रहे। लेकिन जो मैंने आपको जो बताए हैं कि इतने मुसलमान उम्मीदवार विधायक जीते हैं, इतने मुसलमान नेता जो हैं समाजवादी पार्टी में मौजूद हैं, तो फिर इन सारे नेताओं के होने से मुसलमानों को अभी तक ज़मीन पर क्या फ़ायदा हुआ है? सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो मुसलमान नेता लगातार लखनऊ से अपने क्षेत्र से लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, अखिलेश यादव के आगे पीछे रहते हैं, तो आखिर इनसे फ़ायदा कितना हुआ है मुसलमानों को? कितने उनके लिए कितने काम किए गए हैं, कितने स्कूल खोले गए हैं, कितने उनके क्षेत्र में कितनी बार आवाज़ उठाई गई है, सारे मुद्दे नज़र आते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ ये मुसलमान जो नेता हैं सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम करते हैं, या
कुछ और नहीं करते। अब मुसलमानों को जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हाशिए पर पहुंचे हुए हैं मुसलमान, तो ये नेता आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आखिर जब कोई मामला ऐसा सामने आता है तो ये मुस्लिम नेता आखिर कहाँ चले जाते हैं? आखिर क्यों मुसलमानों के शिक्षा की बात नहीं करते? क्यों मुसलमानों की रोज़गार की बात क्यों नहीं करते? मुसलमान युवकों के रोज़गार की बात क्यों नहीं की जाती? तो सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये मुस्लिम नेता जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं इन पर सवाल खड़े होते हैं और सवाल का जवाब इनको देना पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ, नई खबर लेकर, नए अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए SPNI News। नमस्कार।